हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं, इनका नाम है अभिषेक सिंह। तो इन्होंने पूछा है सवाल टैली पर आधारित। तो टैली में इन्होंने पूछा है कि सर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर कैसे आएगा? अगर ना आ रहा हो परचेज वाउचर में तो कैसे ये आएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो टैली को ओपन करना है। तो यहाँ पर टैली को मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टैली प्राइम यूज कर रहा हूँ। अगर आप ERP 9 यूज करेंगे तो भी लगभग यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यही सेम स्टेप आप फॉलो करिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर टैली प्राइम हमने ओपन किया है। अब यहाँ पर चलते हैं। अगर वी बटन प्रेस करता हूँ तो अभी मैं हूँ पेमेंट वाउचर में, लेकिन हमें चलना है परचेज में, तो F9 प्रेस करना होगा। अभी देखिए, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, और आपके में अगर नहीं आ रहा है तो ये आएगा कैसे? तो देखिए, यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, वो है F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, दोनों ये यस होना चाहिए, और फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, और फिर यहाँ देखिए प्रोवाइड रसीद ऑर्डर एंड इंपोर्ट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल को अगर आप ऑफ कर देते हैं, यहाँ से नो कर देते हैं, यहाँ देखिए मैं नो कर देता हूँ, देन कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है गायब हो जाएगा। देखिए अभी नहीं आ रहा है, लेकिन लाने का क्या तरीका है? तो फिर वही कहूंगा कि F12 प्रेस कीजिए, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, इसको चालू कर दीजिए। बस इसको चालू करिए, और देखिए यहाँ पर जैसे यस होगा ये, तो कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है? आई होप, आशा करता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ये परचेज में क्यों नहीं आ रहा है। तो बात करें सेल्स वाउचर में, तो F8 प्रेस करके आते हैं सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में यहाँ आपको नंबर मिलता है और यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिलता है, ठीक है? तो क्या सेल्स वाउचर में भी आता है, ये भी एक सवाल है। तो F12 प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन, स्टॉक आइटम और तमाम चीजें आ रही हैं, लेकिन सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर है क्या, लेकिन प्रोवाइड बायर डिटेल है, अदर ऑप्शन है, ठीक है? इसके पीछे एकमात्र रीजन ये है कि आप बायर को ये बिल दे रहे हैं, यानी कि सामान जो खरीदेगा उसे ये बिल दे रहे हैं, ठीक है? आप कोई बिजनेस के पर्पज से या किसी अदर पर्पज से आप खुद सामान तो खरीद नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बिल दे रहे हैं बायर को। तो इस वजह से यहां पर वो ऑप्शन शो नहीं करता है। आप सप्लायर हैं, लेकिन बायर आपके लिए सिर्फ बायर ही है, यानी सामान वो आपसे खरीदेगा, वो आपको बेचेगा थोड़ी ना, तो इस वजह से वो ऑप्शन यहां शो नहीं करता है, ठीक है? ओके।